तभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं, मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे, ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। ये जो इटालियन जो ग्रुप टूरिस्ट जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, हु हैड कम टू इंडिया मच बिफोर वी वर स्क्रीनिंग पीपल कमिंग फ्रॉम इटली, उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो पॉजिटिव आया, तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके आईटीबीपी कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, प्लस वन इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था। तो दिस इज द इनफैक्ट 15 वो हो गए, और वो एक प्रकार से उनका हस्बैंड और वाइफ हो गए, तो एक्चुअली 17 हो गए उस ग्रुप में से। 3 केसेस ऑलरेडी केरल में आए थे, केरल में आने के बाद वो ठीक होके घर चले गए, फिर एक केस दिल्ली में आया, उसने अपने 6 घर के रिश्तेदारों को आगरा में इन्फेक्ट किया, और एक उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे, ही हैड गॉन टू आगरा ऑल्सो। हमने तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया ना, 66 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उसका, उसमें आगरा के अंदर भी हमने सारे लोगों को जितने भी कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हैं, वी हैव बीन ट्रेसिंग एवरीथिंग। तो उसी के कारण उसने जो है अपने जो रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया, दैट इज़ हाउ वी कुड कैच इट, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। और जो दूसरा वाला केस था वो तेलंगाना के अंदर आया था, जिसके उसके भी लगभग 88 के करीब जो है कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेस किया गया। तो अभी एक ये इटालियन ग्रुप, एक ये दिल्ली में केस आया, इसने अपने रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है।